वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड ब्लड म्यूजिक प्रोडक्शन। देखो यार, ये है हमारी म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स की थर्ड वीडियो। ये होने वाली है हमारी बीट मेकिंग के ऊपर। बीट मेकिंग से मेरा मतलब है कि जो भी हम अपने लूप्स बनाते हैं, कि खुद के पैटर्न्स बनाएंगे हम इसमें, और एक वोकल जो हमने गा रखा है उसको शुरू शुरू से लेके आखिरी तक सॉन्ग में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा बीट सेक्शन है कि बीट कैसे बनाएं। ठीक है, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि खुद की बीट्स नहीं बना पाते हैं, और जो थोड़े से इंटरमीडिएट होते हैं या फिर एडवांस लेवल के लोग होते हैं उनके लिए तो ये बच्चों का खेल कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो अभी हम इसमें सीखेंगे कि कैसे बीट्स बनानी है। बहुत ही ईजी मेथड बताऊँगा कि बच्चे को भी आ जाएगी बीट बनाने की, बीट आखिर बनाई कैसे जाती है। तो सबसे पहले हम ये वोकल देख लेते हैं कैसा है। इसको हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक सॉन्ग को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली इस पे एक रैप भी आएगा, तो जो बंदा रैप इस पे करेगा वो अभी लिख रहा है इसका रैप। तो राइटिंग कंप्लीट होने के बाद इस सॉन्ग को हम कंप्लीट करेंगे। आँखों के पन्नों को खुल जाने दो ज़रा, खोई थी जो राहें मिल जाने दो ज़रा। आँखों के पन्नों को खुल जाने दो ज़रा, खोई थी जो राहें मिल जाने दो ज़रा। तो ये हमारा वोकल है, आगे भी काफ़ी बड़ा है ये, बट उसको हम बाद में देखेंगे। पहले इसे देख लेते हैं कि इस पर क्या क्या चीज़ें करनी है। इस पर मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, इस पर सिर्फ ऑटो ट्यून लगाया। अगर मैं ऑटो ट्यून बंद कर देता तो भी ऐसा ही साउंड करता है, बहुत कम लेवल में लगाया मैंने। आँखों के पन्नों को खुल जाने दो ज़रा, खोई थी जो राहें मिल जाने दो ज़रा। तो बेसिकली ऑटो ट्यून करता क्या है, स्टेबिलिटी देता है एक वोकल के नोट्स में। और ये बेसिकली एक पिचिंग का सेक्शन भी आएगा इस कोर्स में, कि पिचिंग करनी है वोकल्स की। प्रोसेसिंग से पहले पिचिंग करनी पड़ती है, तो वोकल्स की पिचिंग हम करेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग की वीडियो आएगी। ठीक है, तो उसमें मैं समझा दूंगा कि इसका क्या काम है, और कोई भी इफेक्ट नहीं लगाने वाला मैं वोकल्स पे। बस हम सिर्फ बीट्स पर काम करेंगे इस वोकल में। और ये वोकल्स मैंने टेम्पो 90 पे गाए हैं, इस पर मैंने एक बीट बना भी रखी है पहले। अब इसको बीट के साथ सुनते हैं। आँखों के पन्नों को खुल जाने दो जरा, खोई थी जो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि मुझे कैसे पता कि इस वोकल पे यही बीट आएगी, इसी तरह का पैटर्न आएगा। तो उसके लिए एक सीधा सा जवाब मेरा ये होगा कि भाई ये अंदर की फील होती है। ठीक है ना, हम जब भी और लोगों के सॉन्ग सुनते हैं, अलग अलग तरीके के सॉन्ग सुनते हैं, जब हम अपना खुद का सॉन्ग बनाते हैं तो उसमें हम सोचते हैं कि किस तरह की बीट आनी चाहिए इसमें। तो दिमाग खुद ब खुद एक पैटर्न बना के देता है, तो हम उस पैटर्न को यहाँ पैटर्न्स में, यहाँ पे इन पैटर्न्स में उतार देते हैं। तो बट कुछ लोग जो हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं, तो उनके दिमाग में तो पैटर्न्स आएंगे नहीं, क्योंकि वो इतना नॉर्मली सॉन्ग सुनते हैं बट उनके पैटर्न्स पे इतना ध्यान नहीं देते हैं वो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अपने जो हमारा चैनल रैक है उसमें जाके, कि हम कैसे पैटर्न बनाएंगे। यहाँ बनाने का मैं बहुत आसान तरीका बताऊँगा। बेसिकली मेरा कुछ ऐसा, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस बीट को हम अलग से बीट बनाते हैं। तो अभी क्या है, हम कोई डिफरेंट बीट बनाएंगे इससे हट के, जो इस पर सूट भी करेगी। तो उसमें क्या है, हमें चूज़ करने होंगे कुछ, एक नया पैटर्न ले लेता हूँ मैं। उसके लिए हमें कुछ किक्स वगैरह चूज़ करनी होंगी, जो एफएल स्टूडियो है। यहाँ पर पैक्स में जाओगे, देखो यहाँ पे पैक्स में, तो यहाँ प्रोवाइड करता है अलग अलग तरह की बीट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, किक्स वगैरह सब इधर प्रोवाइड की जाती हैं एफएल स्टूडियो में। तो यहाँ से हम एक किक लेंगे, एक स्नेर लेंगे और कुछ हैट लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए बहुत सिंपल और थोड़ी सी अट्रैक्टिव बीट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ढूंढते हैं हम कुछ, ये सब बीट्स ना जो ऊपर हम ऐसे किक्स देख रहे हैं, ये ना ज़्यादा ग्रूवी हैं, ज़्यादा इनमें बेस है, तो इतनी डीप बीट नहीं चाहिए हमें, सिंपल एक बीट चाहिए। जैसे कि ये सही साउंड कर रही है, और इसे रख लेते हैं हम यहाँ पर। इसे दे देंगे हम ट्रैक नंबर 20 दे देते हैं, चलो 20 दे देते हैं। और यहाँ पर हम दे देंगे इसे, और उसके बाद हम एक स्नेर चूज़ करेंगे। स्नेर कैसी होनी चाहिए, एक थोड़ी सी रफ सी स्नेर चलेगी इस पे, नहीं ऐसी ऐसी स्नेर चलेगी इस पे, बट मुझे अभी भी किसी और चीज की तलाश है।
ये भी ठीक लग रही है, देखता हूँ एक बार, मैं पैटर्न बना के देख लेता हूँ, एक सिंपल सा कुछ भी रैंडम पैटर्न बना के देखा था। ये भी ठीक है, अगर कुछ इससे बेटर मिल जाता तो बढ़िया। सबसे मुश्किल काम यही होता है कि अपने जो हमारा वोकल है उसके लिए एक स्पेसिफिक बीट ढूंढना जो उससे मैच करेगी, बीट ढूंढना। चलो दूसरी जगह ढूंढते हैं, बाकी मुझे मिल गई है बट मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ उस स्नेर से। हाँ ये ज़्यादा अच्छा साउंड कर रही है, तो इसे हम 21 पे रखेंगे। ये सही साउंड कर रही है, और एक हाई हैट ले लेते हैं हम यहाँ पे हैट। ये भी ठीक है, 8-8 हैट। यहाँ पर हम देख लेते हैं 23 में से, और ज़्यादा अब जितने चाह हम जितने चाहेंगे उतने प्रकशंस बढ़ा सकते हैं इसमें, और तरह के एक हेड्स वगैरह और भी ये टेम्बो वगैरह ऐड कर सकते हैं हम। एक एक क्लैप और ले लेते हैं, क्लैप अक्सर सॉन्ग्स में होती है बट तो हमेशा ज़रूरत नहीं होती इसकी। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, ऐसी रफ क्लैप, क्योंकि हमें सारे जितने भी हमें बीट लेनी है हमें वैसे ही टाइप की लेनी पड़ेंगी। अभी एक आसान सा तरीका बता देता हूँ बीट बनाने का, कि यहाँ पर मैं इसे जाऊँगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है एडवांस फिल नाम करके, एक ऑप्शन है इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नया टूल दिया है एफएल स्टूडियो ने बीट बनाने के लिए, खासकर बिगिनर्स के लिए बहुत काम का है, एडवांस पे जो हैं लोग उनके लिए भी काफ़ी काम, क्योंकि ये उनके लिए नए नए पैटर्न्स ढूंढ के देगा उस बीट के अकॉर्डिंग, उस टेम्पो के अकॉर्डिंग। तो सबसे आसान तरीका तो ये है, देखो अभी हम इसने खुद से हम इसके हिसाब से पैटर्न ले सकते हैं, इससे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो रैंडमाइज पैटर्न्स देगा हमें, जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स होंगे उस टेम्पो में उस बीट सेक्शन में। चलो हमने एक रैंडमाइज ले लिया, हम फिर खुद से ही बना के देखेंगे एक पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना सिंपल एक पैटर्न बना के देख लेते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है, जैसे कि पहले हम वोकल पे से रख लेंगे। आंखों के पन नहीं, एक्चुअली हम टेम्पो इसे एक्चुअली हम मेट्रोनोम के साथ अगर इसे बनाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि उससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारी बीट जो स्टेबल तो है ना, क्योंकि अगर मेट्रोनोम पे सही बैठेगी तो वो हमारे वोकल पे भी सही बैठेगी, क्योंकि हमने वोकल अपना मेट्रोनोम पे गाया है। नहीं देखो, तो एक सिंपल बीट हमने बना ली, हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं सिंपल, यहां से जाके फिल ईच, या फिर सिंपल इसे ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ से हम फिल ईच 2 कर देंगे हम, ये थोड़ा सा बॉलीवुड टाइप की बीट बनी है ये,
बट मुझे इस वोकल में वैसे नहीं चाहिए, बट ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बना के दे दिया। तो हम जितना पैटर्न के साथ खेलेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मेट्रोनोम को बंद कर देते हैं। बेसिकली जिन लोगों को मेट्रोनोम पे गाने में प्रॉब्लम होती है वो पहले बीट भी बना सकते हैं मेट्रोनोम की जगह। एक बीट बना लो और उस पर गा लो, क्योंकि मेट्रोनोम सिर्फ टिप टिप करके एक होता है कि चार बीट्स होती हैं उसमें। इसमें एक हमारे जहन में होता है, हमने बहुत सारे गाने सुने होते हैं बीट पे, तो इस पे गाने में हमें थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा। अभी यहाँ पर हम इसे देखते हैं हमारे वोकल्स पे कैसा लगेगा। बेसिकली मैं डिफरेंट बीट बनाने वाला हूँ, बट इस पे ये नहीं रखने वाला है क्योंकि ये बॉलीवुड स्टाइल बीट है, ये नहीं चाहिए इस पे। आँखों के पन्नों को खुल जाने दो जरा, खोई थी जो राहे मिल जाने दो जरा। क्योंकि ऐसे बीट्स सूट करती हैं रोमांटिक सॉन्ग्स पे, सैड सॉन्ग्स पे। तो ये सॉन्ग थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप सॉन्ग है, तो इस पे ऐसी नहीं, थोड़ी सी जोशीली हिप हॉप टाइप की बीट, तो वैसे टाइप की बीट सूट करेंगी। ऐसी बीट सूट नहीं करेगी, स्टेबल है, वोकल्स पे ठीक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ताल में है बिल्कुल अच्छे से, बट नहीं ये सूट नहीं करेगी। ये बस मैंने एग्जांपल के लिए बना के दिखा दी। जो हमने पहले बनाई थी उसे मैं अंडू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम हेड को कर लेते हैं, लास्ट में हेड को हम थोड़ा फिल कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा नहीं, ये क्लैप इस पे नहीं सूट करी, इसमें ज़रूरत है ही नहीं क्लैप की। यहाँ से मैंने थोड़ा स्विंग कर रखा। स्विंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई ड्रमर होता है तो वो थोड़ी सी बीच में टाइमिंग लेता है, टिंग टक टिंग टक, ऐसे थोड़ा सा स्विंग कर देता है उस चीज़ को, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है उस चीज़ में, ठीक है। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो ड्रमर होता है उसमें टाइमिंग, इसलिए इसमें थोड़ी सी और नेचुरल बीट बनती है। बट इसे ज़्यादा नहीं रखना, इतना बहुत रहेगा हमारे, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में भी लगेगा फिर ये। अभी हम इसे वोकल पे सुन के देखेंगे कैसी लगेगी, क्योंकि बीट मिक्सिंग हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, क्योंकि बीट मिक्सिंग का भी एक अलग से ट्यूटोरियल होगा। वो जब होगा कि जब हम इस सॉन्ग को कंप्लीट करेंगे, साथ में म्यूजिक के साथ हम इसे मिक्स करेंगे, तो बीट्स को भी उसी टाइम मिक्स करेंगे हम। इसमें सिर्फ बीट मेकिंग ट्यूटोरियल है। आंखों के पन्नों को खुल जाने दो जरा, खोई थी जो राहे मिल जाने दो जरा। आंखों के पन्नों को खुल जाने दो जरा, खोई थी जो राहे मिल जाने दो जरा। बेसिकली हम इसके साथ चाहे तो और भी खेल सकते हैं, और भी प्रिकॉशंस ऐड कर सकते हैं, बट बिगनर स्टेज पे एक सिंपल बीट बनाना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीट बनाएंगे, जो लोग शुरू कर रहे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आएगी, उनको समझ में नहीं आएगा करें क्या, ठीक है। तो जितना हो सके सिंपल बीट से शुरू करें, उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस लाएँ और एक्सपेरिमेंट करते रहें। बेसिकली हमारी बीट जो है ये तैयार हो गई है, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम करेंगे कोड प्रोग्रेशन इस वोकल का, जो भी इस पे कोड्स लगेंगे, क्योंकि हर सॉन्ग पे कोड्स ज़रूरी होती हैं, तो कोड्स लगेंगी, उस कोड्स के बेस पे इस पे म्यूज़िक बनेगा। पहले हम इस पे कोड्स बनाएंगे, तो बिगनर्स वाला तरीका ही बताऊंगा, थोड़ा सा एडवांस तरीका ही बता दूंगा कि एडवांस लोग कैसे कोड्स बनाएं, तो उस वीडियो में ये भी बता दूंगा। इसमें सिर्फ बीट बनाने का था, तो नॉर्मली बीट तो सिर्फ ऐसे ही बनेंगी,
टेम्पो के साथ नॉर्मली हमें देख देख के ऐसा हमें कोई आइडिया नहीं पता कि ये फिक्स बीट चलेगी। बेसिकली बीट बनाने का सबसे एक सिंपल तरीका यही है कि दूसरे हर जोनर के जाके एक गाने सुनो पहले, ठीक है, कि जैसे कि रोमांटिक सॉन्ग्स पे कैसी बीट्स चल रही हैं कि हाँ देखो वैसी बीट्स चल रही हैं, उन बीट्स को कॉपी करने की कोशिश करो, और सैड सॉन्ग्स की देखो सैड सॉन्ग पे कैसी बीट्स हैं, और उन पे ट्राई करो कि जो हमारे हैप्पी डांस सॉन्ग्स डांस सॉन्ग्स पे कैसी बीट्स बन रही हैं। तो हर सॉन्ग्स की अपनी अलग अलग बीट्स होती हैं, अलग अलग तरीके की बीट्स बनती है, अलग अलग प्रकशंस यूज़ होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी अलग फील होती है। तो जितने ज़्यादा सुनोगे उतने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे दिमाग में कि किस किस टाइप की बीट्स बननी चाहिए। तो आई थिंक इससे समझ में आ गया हो कि एक्चुअली एक बीट बनती कैसे है। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, अगर हमारे दिमाग में बैठा नहीं या फिर हम एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यार मेरे इंस्टाग्राम पे आके पूछ लो, बेझिझक मैं आंसर करूँगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं अवेलेबल हूँ उस चीज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।